Our next topic is deduction of Coulomb's law or Coulomb's force formula from Gauss theorem. Gauss law की help से या Gauss theorem की help से Coulomb का जो formula आपने पढ़ा है day one पहले lecture में, पहला lecture नहीं कहना चाहिए, दूसरे तीसरे lecture में Coulomb's formula हमने start किया था ना, तो हमारा जो Coulomb का force का formula है, क्या formula था जी, थोड़ा बताएं. Force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एक तो अपन कर चुके हैं कूलम्स लॉ के नाम से, जो आपको आ जाना चाहिए, परीक्षा में आता है कभी कभार, दो नंबर या चार नंबर के लिए आता है, दो नंबर के लिए भी आता है, चार नंबर में भी आ जाता है, तो सोच समझ के लिखना. तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं. कभी धोखे से ये भी आ सकता है कि कूलम्स फार्मूले आपको डिराइव करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, वो वाला मेथड नहीं जो आप पहले लगा चुके कि कूलम ने न्यूटन का छापा मारी किया है ना, जैसे न्यूटन ने बनाया था मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट होता है फोर्स, तो इन्होंने कहा चार्ज के प्रोपोर्शनेट होता है प्रोडक्ट के, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट. न्यूटन ने बोला कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी बोले ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दोनों कंबाइन कर दिए, बन गया फार्मूला. वो तरीका नहीं अपनाना. अब की बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि गॉस थ्योरम का यूज़ करो और कूलम्स फार्मूला निकाल के दिखाओ, समझ गए. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला या इम्पॉर्टेंट मेथड कहना चाहिए, फार्मूला तो वही है हमारा, लेकिन इसको हम बनाएंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से. किसकी हेल्प से? और मैंने आपको बताया है कि गॉस थ्योरम अगर अपने को यूज़ करना है तो गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज सर्फेस के लिए अप्लीकेबल होता है, ओपन सर्फेस के लिए नहीं. तो इसका मतलब है हमको एक क्लोज सर्फेस इमेजिन करना पड़ेगा, और उस क्लोज सर्फेस को अपन क्या बोलते हैं? गॉसियन सर्फेस. क्या बोलते हैं? गॉसियन सर्फेस. कोई रियल में सर्फेस हो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो इमेजनरी अपन कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं किसी भी डिज़ाइन का. लेकिन जो डिज़ाइन हम इमेजिन करते हैं उसमें अपन दो चीज़ों का लिहाज रखते हैं. वो दो चीज़ें क्या हैं? आंसर है सिमेट्री ऑफ ई एंड सिमेट्री ऑफ थीटा. याद है आपको या नहीं, बोलिए जल्दी बताओ. गॉसियन सरफेस की खासियत क्या होती है? आंसर है वो ऐसी सरफेस होती है कि उसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होती है? सेम. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमेट्री होनी चाहिए, सेम होना चाहिए. दूसरा, थीटा हर जगह कैसा होना चाहिए? हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए. ये दो चीज़ें हम गॉसियन सरफेस बनाते समय ध्यान में रखते हैं, ठीक है. तो गॉस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और फार्मूला कौन सा बना के लाएंगे? कूलम्स का फार्मूला, फोर्स वाला, 1/4 πε₀ q1 q2 r² आ गया समझ में या नहीं आया? इसके लिए हमको दो चार्ज चाहिए q1 q2, समझ रहे हैं. तो सबसे पहले अपन दो चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ध्यान से देखते जाइए ना. कंसीडर टू चार्जेस, सपोज दिस इज q1 एंड दिस इज q2 चार्ज एट r डिस्टेंस. आ रहा है समझ में कि नहीं आया? तो इसको लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे? कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस. r डिस्टेंस दूर, हमने दोनों चार्ज ले लिया q1 और q2. अब हम इसको गॉस थ्योरम की हेल्प से बनाएंगे, और गॉस थ्योरम का पहला उसूल है कि किस पर काम करता है गॉस थ्योरम? क्लोज सरफेस पर. बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो एक आपको सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी और उसके अंदर चार्ज फंसना चाहिए, समझ आया. तो हम एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं जिसके अंदर ये वाला चार्ज फंस जाएगा. कौन फंसेगा? q1. q1 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हम जो बाहर से गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे उसके अंदर ये फंसा रहेगा, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगी तो हमने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसके साथ लिंक हो जाएगी. फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के साथ लिंक होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो पूरी गॉसियन सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है उसका कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम हमको किस चीज़ का कैलकुलेशन देता है? फ्लक्स का. फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? q/ε₀. क्यू कौन सा? जो गॉसियन सरफेस के अंदर है. समझ आया कि नहीं आया या नहीं आया? तो हमको क्या इमेजिन करना है? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है. अब मैंने आपको बताया कि गॉसियन सरफेस के लिए दो चीज़ों का अपन लिहाज रखते हैं. कौन कौन सा? ई की सिमेट्री और थीटा की सिमेट्री. ई कब सेम होता है? आंसर है जब उस सरफेस का डिस्टेंस कहाँ, सेंटर से या चार्ज से, कैसा रहता है? सेम. तो
तो ऐसा कौन सा सरफेस होगा जो इसके चारों तरफ मैं बनाऊं तो ई सेम रहे, स्फीयर, कौन सा सरफेस, और ये कहां फंसना चाहिए स्फीयर के सेंटर में, तभी ये रेडियस बनेगा और रेडियस एक जैसा रहता है पूरे स्फीयर में। अगर डिस्टेंस एक जैसा रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर कैसा मिलेगा सरफेस में, सेम, समझ आ गया। इसलिए हम कैसा सरफेस इमेजिन करेंगे जी बताइए, स्फीयर ऐसे, और ये उसका सेंटर बनेगा, दिस इज गॉसियन सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ओके नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है, और ऐसा स्फीयर कि उसका रेडियस कितना हो, जितना ये दोनों चार्ज का डिस्टेंस है आर, ठीक है, समझे कि नहीं। ऑफ रेडियस आर विथ ओ एज ए सेंटर, इसके सेंटर को अपन ने क्या मान लिया, ओ, ये सेंटर है स्फीयर का, समझ रहे हैं, और ऐसा सेंटर हमने माना, ऐसा स्फीयर हमने इमेजिन किया कि ये जो Q1 चार्ज है वो कहां पे आए, सेंटर पर फंसे, कहां पे फंसे, सेंटर पर, ठीक है, सच दैट चार्ज Q1 लाइज ऑन सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये जो चार्ज है कहां फंस रहा है, बोलो, सेंटर ऑफ स्फीयर में फंस रहा है, ठीक है, समझ गए, ओके। ठीक है, यहां तक हो गया, बोलिए समझ में आया ये या नहीं आया, जोर से बोलिए, पक्का। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम क्या बताता है, फ्लक्स का कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन, तो हमको तो इस पूरे स्फीयर, ये सर्कल नहीं भाई ना, याद रखिएगा फुटबॉल है स्फीयर, और फुटबॉल के अंदर में ये चार्ज रखा है उसके सेंटर में, ठीक। अब अगर पूरे स्फीयर में इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स लिंक होगा ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें अपन, एक छोटा सा सरफेस ले लें, छोटा सा एरिया, तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लेते हैं, और इस छोटे से एरिया का नाम क्या रखते हैं, डीएस। इस छोटे से सरफेस एरिया डीएस में डी लग गया, मतलब ये कितना छोटा एरिया हो गया, ऑलमोस्ट इन्फिनिट टाइम स्मॉल पॉइंट साइज के बराबर। इस छोटे से एरिया में इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स लिंक होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चिपक जाएगा जाके, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है स्फीयर में मालूम है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली और ये ऐसे चली जाती है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं ये एरिया ले रहा हूँ डीएस, तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये अगर सरफेस है तो नॉर्मल टू द सरफेस कैसा होगा, ऐसा, दिस इज एरिया वेक्टर हुआ, और थीटा हमारा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसके बीच का जो थीटा होगा वो कितना होगा, जीरो डिग्री, कहीं पर भी पूरे फुटबॉल में आप इमेजिन कर लीजिए, समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड निकलता है, और सरफेस पर कहीं पर भी आप नॉर्मल बनाएंगे वो भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, सरफेस के साथ 90 डिग्री जो बनाएंगे एरिया वेक्टर, तो दोनों रेडियली आउटवर्ड है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, समझ गए, बोलते जाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कितना इसके साथ लिंक होगा, यानी फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक होगा, छोटे से एरिया डीएस के कारण उसको निकालेंगे, निकाले, और वो फॉर्मूला क्या है हमारा बताइए गॉस थ्योरम का, यहां हम लिख रहे हैं अप्लाई गॉस लॉ, क्या है जी गॉस लॉ, फ्लक्स इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या है जी क्लोज सरफेस के लिए मालूम है, बताइए, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां तक समझ आया कि नहीं आया। अब अपन वैल्यूज को रखेंगे, किसको रखेंगे, वैल्यू को रखेंगे, चलिए क्लोज्ड इंटीग्रल पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, पूरी क्लोज बॉडी के लिए, इसलिए ये वाला सिंबल आ जाता है इंटीग्रेशन में, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, समझ आया,
ये क्लोज फिगर के लिए होता है इंटीग्रेशन, समझे कि नहीं समझे? E मल्टीप्लाइड बाई डी एस कॉस कितना, थीटा की वैल्यू, दिस इज थीटा ना, थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, तो ये तो वन हो गया, इज इक्वल टू, चार्ज कौन सा लेते हैं गॉस थ्योरम में, जो क्लोज सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, तो इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज कौन है, क्यू वन की क्यू टू, क्यू वन, समझ आया? तो इसको क्या लिखना है अपने को, क्यू वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन वन, समझ आया नहीं आया? इसकी वैल्यू तो वन हो गई, वन कोई इफेक्ट नहीं करेगा मल्टीप्लाई में। ई हर जगह कैसा है, पूरी सरफेस पर ई कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ तक का सेम है, तो ई भी पूरी सरफेस पर क्या है, यानी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट चीज क्या होती है इंटीग्रेशन के बाहर, तो ई हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, डी एस, कॉस जीरो तो वन हो गया वैसे ही, दिस इज वॉट, क्यू वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है समझे? अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर ये रहे हैं कि पहले अपन ने क्या किया, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एरिया डी एस में लिंक हो रहा है, उसका छोटा सा फ्लक्स हमने निकाला डी फाई, क्या निकाले, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, फिर ऐसे ही किसी दूसरे एरिया डी एस के लिए निकाले होंगे डी फाई, तीसरे एरिया डी एस के लिए निकाले होंगे डी फाई, ऐसे करके पूरे सरफेस में डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस लेके सब जगह डी फाई डी फाई डी फाई निकाले, और लास्ट में क्या किए, पूरे डी फाई को ऐड कर दिए, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और ऐड करने का नाम ये है इंटीग्रेशन, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ताकि अपने को क्या मिल जाए, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, समझ आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का, ठीक। चलिए अब हमको इंटीग्रेशन किस चीज़ का करना है, डीएस, कोई मुझे बताएगा कि ये है फुटबॉल, इमेजिन करो फुटबॉल में छोटा सा एरिया डीएस हमने लिया, और ऐसे सारे डीएस 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 पूरा एरिया जोड़ेंगे, तो क्या चीज़ बनेगा, कौन सा एरिया बनेगा, स्फीयर का, ये क्या है, छोटे छोटे डीएस 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 सब टुकड़े जोड़ दिए, सारे एरिया जोड़ दिए, तो क्या बन गया, टोटल, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा डीएस जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर, समझ आ रहा है, क्योंकि हमने रेडियस भी आर ही लिया है, ठीक, इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई को बचाओ और इसको उधर भेजो, तो अगर मैं ई बचाता हूं और इसको उधर भेजता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन 4 पाई, इसको लिख लूँ एप्सिलॉन नॉट को पहले, और आर स्क्वायर बाद में लिख देता हूँ, क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, जरा इसको देखो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, सोर्स चार्ज, जो कि पॉइंट से साइप का होता है, ये है सोर्स चार्ज क्यू वन, ये तो आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर ये वाला पॉइंट चार्ज क्यू वन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू वन है तो क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, समझ आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस दूर निकला है, आर डिस्टेंस दूर, जहां से कौन पास होती है, गॉसियन सरफेस, कौन पास होती है, समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब है पूरे गॉसियन सरफेस पर, क्योंकि हर जगह पूरी गॉसियन सरफेस कितनी दूरी पर है, आर आर, और r डिस्टेंस दूर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी, समझ आया, आया या नहीं, अब अगर यहाँ की इंटेंसिटी e है, ये e मान लो ना, इसको पूरी गॉसियन सरफेस पर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पर, बोलिए e कितनी है, और यहाँ पर जहाँ पर इंटेंसिटी e है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज अपन उठा के लाए Q2 और यहाँ रख दिए, ये टेस्ट चार्ज है Q2, समझ आ रहा है, तो एक टेस्ट चार्ज हमने उठाया और लाके वहां रख दिया जहां पर इंटेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की E, तो कोई मुझे बताएगा कि इस टेस्ट चार्ज Q2 पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बताइए, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा लोकेशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, वहां अपन ने टेस्ट चार्ज Q2 को रख दिया, तो उस Q2 पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जोर से बोलिए थोड़ा, क्यू इंटू ई, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी, और ये मैं पता नहीं कितनी बार पूछ रहा हूँ आपसे, ये कौन सा नंबर है पूछने का, नहीं है, यही फार्मूला है ना, यहाँ की इंटेंसिटी E है, हमने Q चार्ज रखा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, यहाँ की इंटेंसिटी E है, हमने Q2 चार्ज रखा, कितना फोर्स Q2 पर लगेगा, Q2 इंटू ई, समझ आया, सो नाउ
फोर्स एक्सपीरियंस ऑन चार्ज Q2 फोर्स कितना लगेगा जी बताइए, Q2 मल्टीप्लाइड बाई ई, यही लगेगा Q2 इंटू ई, और ई का फॉर्मूला हमारे पास है, ये कौन सा ई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पर आई है, गॉसियन सरफेस पर, और गॉसियन सरफेस पर ही हमने क्या रख दिया Q2, तो Q2 को कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, समझ में आया नहीं आया, ई की वैल्यू पुट कीजिए, Q2 मल्टीप्लाइड बाय ई कितना है, 1/4πε0 Q1/r2, Q1 Q2 साथ में लिख दो, मल्टीप्लाई है ऊपर न्यूमरेटर, तो फोर्स कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 साथ में लिखिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2, जरा देखिए ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये क्या चीज़ है, कूलम्स लॉ, कौन सा फॉर्मूला है ये, कूलम्स लॉ, सो दिस इज कूलम्स लॉ, आ गया समझ में, तो इस तरीके से गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कूलम का फॉर्मूला बना सकते हैं और उसका डेरिवेशन आपके सामने है कैसे बनाया मैंने, हो गया, तो ये आप नोट करें, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये।